음식의 맛이 있습니까? Does the food taste good? Yes. 보신 스와디스트 해? 뭐라 그러는지. 아, 그 음식을 여러분이 먹는 걸 준비하지만 어떻게 만들어야 되는지를 잘 배우셔야 합니다. Eating this kind of healthy food is important, but it's even more important to learn how to cook this way. 스와디스트 보나 भोजन खाना बहुत अच्छी बात है पर उससे भी और अच्छी बात है अगर हम सीखेंगे स्वादिष्ट भोजन कैसे पकाएं और जब आप खाना खा रहे हैं पूछे कि ये खाना कैसे पकाया गया था और जो लोग किचन में सहयोग दे रहे हैं आप लोग भी अच्छी तरह से ध्यान दीजिए ताकि आप लोग भी सीख करके अपने अपने घरों में इसी प्रकार से पकाओगे और जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तब तक आप लोग को सीख जाना चाहिए और कल और आज हम लोग जो रिकवरी मील्स को आरंभ किए फिर से आप लोग को भोजन देना स्टार्ट कर दिए Typically, when we do water fasting or fruit fasting, you can do a good job of following the fast. और पानी का उपवास या फल का उपवास करने से उसके बाद रिकवरी मील भी कर सकते हैं तो फल का उपवास और पानी का उपवास सब कोई अच्छी तरह से करते हैं पर जब भोजन खाना आरंभ करते हैं उसी समय सबसे ज्यादा परेशानी होता है या गड़बड़ी होता है और घर में अगर आप फल का उपवास या पानी का उपवास करोगे ज़्यादातर हम लोग जब भोजन खाना आरंभ करते तब हम लोगों में ज़्यादा परेशानी होता है You need to learn and experience everything here very well before you can teach them. और दूसरों को सिखाने से पहले अपने अपने स्थानों में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ अच्छी तरह से सीखना है And so you must study very carefully as if you are a student and you must also put these things into practice. और एक विद्यार्थी की तरह आपको अच्छी तरह से ध्यान देकर के पढ़ने होगा और इन बातों को इसको प्रैक्टिकली भी करने होगा For those of you who started your recovery meals to this morning, for the next meal, you just add one spoonful more of each kind of food for the next meal. और अगले भोजन जब आप लोग खाने जाओगे जो रिकवरी मील्स में है जितना चम्मच आपको मिल रहा था उससे एक चम्मच और बढ़ा दीजिए चाहे चावल हो या सब्जी हो बस एक चम्मच भर ज़्यादा कर दीजिए हर आइटम का जो आप ले रहे हैं खाने के लिए If after you've been eating these healthy meals, then you have to go outside to a restaurant or some kind of gathering and you eat bad food and you eat it, then your health is gonna get worse. और रिकवरी मील्स करते समय अगर आप कहीं बाहर गए और कहीं होटल में या कहीं बाहर खाना खा लिए तो आपका स्वास्थ्य और भी बिगड़ जाएगा और अगर आप सोचते हैं कि मेरा जो है उपवास खत्म हो गया और अब जो चीज मैं खाना चाहता हूँ जैसा मन करता करूँगा तो आप जो है गलत में हैं Your eating habits that you will continue will be a repetition, a reflection of your faith journey. और आपका जो खाने का तरीका भोजन खाने का तरीका आपका विश्वास को ऊपर निर्भर रहेगा कि आप कितना विश्वास कर कितना मान करके उसको जीवन भर में लागू करोगे और
खाने का तरीका अभी विश्वास के साथ सब चीज़ परमेश्वर पर सौंप दे, और जितना जो है दिया जाता है उसको विश्वास के साथ खाइए जितना मात्रा में। और इसी प्रकार से जितना आपको डाइनिंग हॉल में दिया जाता है खाने के लिए उतना ही मात्रा में खाइए, और जब आप लोग घर जाओगे तो इसी प्रकार से है अपना घर में भी लागू कीजिए। और चावल पकाते समय हम लोग कभी कभी जो पानी को क्या कर देते हैं, पसार देते हैं, तो पूछे कि यहाँ चावल कैसे पकाते हैं। और यहाँ कोई कोई लोग इस प्रकार चावल पकाता है, बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं चावल में, पानी टपक जाता है और जैसा चावल पक जाता है तो पानी को पसार देते हैं और ये तो ये चावल पकता है। और मैडम का कहना है कि ये जो है ये एक अच्छा आदत नहीं है। हाँ, पानी को नहीं फेंकना है, राइस कुकर में पानी उसी में रह जाता है ना, वो दूसरा तरीका है। तो अगर सबको हम लोग उस तरीका से नहीं करते तो अच्छी बात है। और जब हम लोग चावल पकाते समय अगर पानी को पसार देते हैं या फेंक देते हैं तो जो सारा अच्छा गुण, चंगाई का गुण जो उस चावल में था, अब वो पानी से क्या हो जाता है, बह जाता है, निकल जाता है। कोई कह सकता है कि मैं शाकाहारी हूँ, मीट मछली नहीं खाता हूँ, और कह भी सकता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग साग सब्जी पकाते हैं अगर उसका पानी को हम लोग फेंक देते हैं तो उसका जो चंगाई का गुण जो साग सब्जी में था पानी में बह जाता है। जिस प्रकार से अगर आप भोजन बनाओगे और पानी को निकाल दोगे, चाहे सब्जी क्यों ना हो, तो वो तो एकदम शाकाहारी भोजन होगा पर स्वास्थ्य भोजन नहीं होगा, क्योंकि सारा गुण पानी में क्या हो गया, फेंका गया। और हेल्दी कुकिंग का लेक्चर होगा, उसमें आप अच्छी तरह से सीखिए और उसको अपने जीवन में अपनाइए। The health message that is included in the three angels' messages is the message that helps to clean out our bodies. और स्वास्थ्य का शिक्षा जो तीन स्वर्गदूत का शिक्षा में है, वो हमें अपना शरीर को पूरी तरह से साफ करने में मदद करता है। और 5-6 दिन में हमारा शरीर भीतर से बहुत साफ हो जाएगा। And just like somebody testified yesterday, your skin is probably going very soft and very clean. और किसी ने कल गवाही दिया कि उनका जो त्वचा जो है बहुत मुलायम और बहुत साफ होते जा रहा था। And the reason is because all the waste is being expelled from your body and your cells are returning to be normal healthy cells. और कारण यह है कि आपका शरीर से सारा जो है कोशिकाओं से सारा गंदगी निकल करके अभी आपका शरीर साफ होते जा रहा है।
But the three angels message is not just a message that helps our physical body to become cleansed. ये तीन स्वर्गदूत का संदेश केवल हमारा शरीर को साफ करने का संदेश नहीं है। और तीन स्वर्गदूत का संदेश हमारा जो शरीर का मंदिर जो हमारा दिल में है उसे भी साफ और स्वच्छ कर देता है। और पुराना नियम में जिस प्रकार से पवित्र मंदिर शुद्ध किया जाता था उसी प्रकार से हम भी अपने शरीर जो एक मंदिर है उसे भी शुद्ध करके रखें। और तीन स्वर्गदूतों का संदेश बाइबल का संदेश का सारांश है। And there are a few important topics within the three angels' message. और कुछ विशेष विशेष टॉपिक्स है तीन स्वर्गदूत का संदेश में। और ये सब पहले स्वर्गदूत का संदेश में भी दिया गया है। Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्योंकि न्याय का समय आ पहुंचा है। और एक पुकार दिया जा रहा है परमेश्वर की ओर वापस लौटने के लिए। और एक पुकार दिया जा रहा है कि हम परमेश्वर की ओर वापस लौटे और सच्चा आराधना में शामिल हो जाए। और इस संदेश को लोग पालन कर रहे कि नहीं कर रहे इसका भी एक न्याय हो रहा है। और जो लोग पहले स्वर्गदूत का संदेश को पाए हैं वे दूसरे स्वर्गदूत का संदेश को भी स्वीकार किए हैं। Why? Because when the message is being proclaimed, then the judgment takes place to see whether you have accepted the first angel's message or and are going in the direction of God or not. और जब पहले स्वर्गदूत का संदेश प्रचार किया गया और जब न्याय का पुकार हो रहा है ये देखा जा रहा है कि हम लोग जो है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहे कि नहीं। Church member and being like anyone else in the world is not the way of following the three angels' message. और एक चर्च मेंबर बन करके और दुनिया के लोगों के समान चलना ये तीन स्वर्गदूतों का संदेश का एक अनुयायी के बराबर नहीं है। और जो लोग पहले स्वर्गदूत का संदेश को ग्रहण करते वे अपने जीवन से अपने तौर तरीका से और अपना स्वयं से निकल करके परमेश्वर की ओर लौटते हैं। और अब वे दुनिया के सोच विचार दुनिया के रीति विधि चाल चलन को छोड़ करके परमेश्वर की ओर लौटते हैं। ये सच्चा मन परिवर्तन है, ये सच्चा उपवास है। And so every part of our lives becomes reformed. तो हमारा जीवन का हर हिस्सा में एक सुधार आता है। And so in the first angel's message, the message to come out of Babylon is included. तो पहले स्वर्गदूत का संदेश में बेबीलोन से निकलने का आदेश दिया जाता है। Because if they just stay in Babylon, when Babylon falls, they will be destroyed. So God says to his people, come out. क्योंकि अगर बेबीलोन में रहेंगे तो उनका नाश हो जाएगा, इसलिए उन्हें बेबीलोन से निकल कर आने के लिए कहा जा रहा है। The three angels'
और ये तीन स्वर्गदूतों का संदेश उसके साथ तुलना किया जाता है जहाँ लूत को उसके साथियों के साथ सदोम और उमोरा से निकलने के लिए कहा जा रहा था। और सदोम और उमोरा का पाप पूरी तरह से भर गया था, उनका पाप का कटोरा भर गया था। तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज करके अपने लोगों को सदोम और उमोरा शहर से बचा लिया। और अभी आज ये संसार भी अपना पाप का कटोरा से भर रहा है। और तीन स्वर्गदूतों का संदेश के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को संसार से पुकार के बुला रहा है। और अगर तीन स्वर्गदूतों का संदेश को स्वीकार कर उनका हृदय में परिवर्तन आ रहा है तो परमेश्वर उनका पाप को धो के साफ कर सक रहा है। और उधार का काम पूरा होने के बाद, न्याय समाप्त होने के बाद, तब यीशु हमें अपना धार्मिक वस्त्र के साथ ओढ़ेगा और उन्हें जो है परमेश्वर की ओर से एक मोहर मिलेगा और अंतिम वर्षा मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर का मोहर डाला गया और वे परमेश्वर के लोग हैं, शैतान उन पर आक्रमण करने का प्रयास करेगा। और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में इस युद्ध में किसके पक्ष में हम लोग हैं, ये हम पर निर्भर करेगा। Are you standing on the side of Satan and receiving the mark of the beast? Or are you going to be standing on the side of the Creator God and be following the Sabbath? तो क्या आप जो है शैतान का पक्ष में रहोगे और पशु का छाप आप पर लगेगा, या परमेश्वर के तरफ रहोगे जहां पर परमेश्वर का मोहर आप पर लगेगा? ये इतिहास का अंत के समय में ये होगा। And those people who will be able to stand in these last days are the people who have received the three angels' messages and have proclaimed the three angels' messages. और लोग जो खड़ा रहेंगे वे यही लोग होंगे जो तीन स्वर्गदूतों का संदेश को ग्रहण किए हैं और तीन स्वर्गदूतों का संदेश को प्रचार किए हैं। ये लोग वे हैं जो शैतान के पक्ष से निकल करके परमेश्वर की ओर से चंगाई प्राप्त किए हैं। और परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए शैतान की तरफ से रविवार पालन का कानून आएगा और ये रविवार कानून जो है पशु का छाप को दर्शाता है और सबत जो है परमेश्वर का मोहर को दर्शाएगा। और दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएंगे परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए। और इसको पूरा होने के लिए आज दुनिया के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, मिल रहे हैं। जो 정치적으로 정치적으로 뭐라? 정부가 하나가 되는 거. 하나의 정치 안에 온 나라가 포함되는 거.
They're trying to create a new world order to be one in government and one in religion. और इस प्रकार से जो सरकारों का मेल करने का प्रयास हो रहा है और एक ही प्रकार का धर्म मानने का विचार हो रहा है और इस प्रकार से ये वन वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया को एक बनने के लिए सब लोगों को एकता में आने के लिए प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग धर्म के लोगों को एक साथ मिलजुल करके आने का प्रयास किया जा रहा है और तब पशु का आराधना करने के लिए सारा संसार एक हो रहा है। और जो लोग पशु का छाप में नहीं आना चाहते हैं, ये लोग जो है जबरदस्ती कराएंगे परमेश्वर के लोगों में, और जो लोग पशु का छाप ग्रहण किए हैं वे परमेश्वर के लोगों को घात करने का प्रयास में रहेंगे और दुनिया के सरकार के लोग एक साथ मिलकर शामिल हो रहे हैं इसमें। तो इसी प्रकार से हमारा मन में परमेश्वर का व्यवस्था नाश किया जा रहा है। If we follow the system of the world, then our lives continue to go away from following God's law. और अगर हम लोग दुनिया के तरीका को अपनाएंगे, हमारा जीवन भी परमेश्वर से भटकते जाएगा। The lifestyle of the world of eating, drinking, working, etc. is going against destroying God's law. और दुनिया का तरीका, हम लोग का खाना पीने जीवन शैली सोने का तरीका परमेश्वर का दिए हुए स्वास्थ्य के नियम के विरुद्ध जा रहा है। और हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं पर इस प्रकार से परमेश्वर का तरीका, परमेश्वर का स्वास्थ्य का नियम कई लोगों में ये दिखाई नहीं दे रहा है और शैतान जो है केवल संसार को नहीं बल्कि हमारा जीवन और हमारा दिल को नियंत्रण कर रहा है। पहले स्वर्गदूत का संदेश हमें कह रहा है कि हमें जो है इस दुनिया से निकल करके आना है और अगर यही हमारे जीने का तरीका है तो न्याय बहुत जल्दी आने वाला है। तो जो लोग परमेश्वर के संदेश को ग्रहण करेंगे परमेश्वर के मोहर को भी प्रसार करने के लिए तैयार रहेंगे। At the time of the third angel's message, when the mark of the beast is coming down upon God's people, then those who do not have the mark of the beast will be giving a loud cry not to receive the mark of the beast. और जब तीसरे स्वर्गदूत का संदेश प्रचार किया जाएगा और जोरदार पुकार दिया जाएगा पशु का छाप नहीं ग्रहण करने के लिए, और शैतान लोगों को संगठित करेगा उन्हें जो है परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के लिए, पर परमेश्वर के लोग जिस पर उनके मोहर है वे उसका आज्ञाओं का पालन करेंगे। पर शैतान के भी लोग होंगे जो कि शैतान को मानेंगे और उसी का वचन के अनुसार चलेंगे और दिखाई देगा कौन परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है और कौन उसकी आज्ञाओं पर चल रहा है। और संसार के अंत में केवल दो दल के लोग होंगे। ये नहीं कि ये दो दल वो होंगे जो कि एक दल जो चर्च आ रहा है और एक दल जो चर्च नहीं आ रहा है। God and is following his commands.
और एक दल वो होगा जिसका विश्वास सच्चा है और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। और एक दल होगा जहाँ लोग शैतान के तौर तरीके, दुनिया के तौर तरीके के अनुसार चलेंगे। जिस प्रकार से जब सोदोम और अमोरा का नाश हुआ, लोग जो है बिना व्यवस्था का, नियम कानून का उनका जीवन चल रहा था। और जिस प्रकार नूह के समय में जब लोग जो है पापी अवस्था में जीवित थे, उसी प्रकार से जब अंत के समय में जब बहुत सारे लोग परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं और दुनिया का पाप का कटोरा जब भर जा रहा है और पाप के चलते लोगों में बहुत परेशानी तो होगा, परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। और हम पाप को पसंद नहीं करते हैं परमेश्वर, और इस पृथ्वी में शैतान के द्वारा नाश किया जा रहा है पाप को, हम पसंद नहीं कर रहे हैं और हम बचाए जाना चाहते हैं और पाप के चलते हम नहीं नाश होना चाहते हैं और परमेश्वर मुझे बचाइए। और एक सच्चा दिल से चंगाई प्राप्त करने का या जो कैंसर से जो छुटकारा प्राप्त करने का पुकार होगा, और जो लोग इस प्रकार से जो है जो कैंसर से ग्रसित है परमेश्वर का खोज में रहेंगे और परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए आएगा। और ये संदेश जो लोगों को बुलाया जा रहा है, ये तीन स्वर्गदूत का संदेश है। तो हम लोग तीन स्वर्गदूतों का संदेश को ग्रहण करते हैं और हमें तीन स्वर्गदूत का संदेश को भी इस संसार को प्रचार करना है जो डूब रहा है। और ये सुसमाचार इस संसार के अंत समय तक में प्रचार किया जाएगा, तब इस संसार का अंत होगा। और जब तीन स्वर्गदूतों का संदेश प्रचार किया जा रहा है जोरदार से, तब इस संसार का अंत होगा और यीशु का दूसरा आगमन होगा। और इस प्रकार से अगर हमारा भारत देश में ये तीन स्वर्गदूतों का संदेश प्रचार किया जाएगा, ये एक चिन्ह है कि यीशु का आगमन निकट है। SDA चर्च एक विश्वव्यापी कलीसिया है। परमेश्वर इस प्रकार से एक विश्वव्यापी कलीसिया क्यों बनाया? और परमेश्वर सेवंथ एडवेंटिस्ट कलीसियाओं को हर देश में स्थापित किया ताकि तीन स्वर्गदूतों का संदेश प्रचार किया जाएगा। भारत देश आने का ये पहले बार मौका मिला है और कई अलग अलग देशों में हम गए हैं, पर इस देश का भाषा को हम नहीं जानते हैं। यहाँ का भाषा, रीति रिवाज अलग है, लोग भी अलग हैं और चेहरा और रूपरेखा भी अलग है और हम लोग अलग अलग जाति जाति के लोग हैं, पर ये तीन स्वर्गदूत का संदेश हर देश, हर जाति, हर कुल और भाषा के लोगों तक ये तीन स्वर्गदूत का संदेश पहुंचेगा।
민족도 다르고 언어도 다릅니다. And as I came, as I've come here to India, I realized we are very different people, and our languages are different. और जब भारत देश आए तो हम लोग ये महसूस किए कि हम लोग का देश अलग है और हम लोग का भाषा अलग है, पर एक चीज है जो हम लोग का बीच में एक समान है। और पिछले सबत जब लेसन स्टडी हुआ था, जिस सबद पाठ किताब से आप पढ़ रहे थे यहाँ पर, वही किताब को हम अपना कोरियन भाषा में पढ़ रहे थे। तो जो सबद स्कूल में हम लोग जो किताब पढ़ते हैं वो बिल्कुल वही किताब है, वही विषय है जो हम लोग एक साथ पढ़ रहे थे। और आप लोग भी वही विषय को अपने भाषा में यहाँ सिखा रहे थे। और जो बाइबल आप पढ़ते हैं बस वही बाइबल जो कोरिया भाषा में मैडम पढ़ रही है। और जो एलन वाइट का किताब आप पढ़ते हैं बिल्कुल वही किताब जो है अपना कोरियन भाषा में एलन वाइट का किताब को पढ़ते हैं। और जब हम लोग यही एक ही किताब हम लोग पढ़ते हैं और मन परिवर्तन करते हैं तो हमारा पास भी वही संदेश होगा लोगों को सिखाने के लिए। और यही किताब है जो आप पढ़ते हैं और वही किताब को हम भी अपना कोरियन भाषा में पढ़ते हैं और सीखते हैं। और यही बातों को जो हमने सुना, सीखा, ग्रहण किया और उसका गवाही दिया, उसी को आप भी गवाह दे सकते हैं। और जब हम लोग स्वास्थ्य का संदेश दूसरों को बतलाते हैं, कई लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। और जब सब लोग इस प्रकार से परमेश्वर का वचन को सुन करके, ग्रहण करके और स्वीकार करते हुए चंगा हो जाते हैं। हम लोग अलग देश से आए, अलग भाषा के हैं, हम लोग का रूपरेखा चेहरा अलग दिखता है। पर ये एक विषय है जो हम लोग सब में एक बराबर है, परमेश्वर का वचन में हम एक हो जाते हैं। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? और कहती है मैडम चॉय कि वो कोरिया की है, कोरिया निवासी है, पर हम यीशु के बारे में बता रहे हैं। और जैसे जैसे मैडम चॉय सिखा रही है, क्या आप उसको सुन करके, स्वीकार कर उसके साथ सहमत हो सकते हैं? और जब यहाँ पर एमसी लोग आकर के अगुवाई करते हैं या गाना गाते हैं तो मैडम चॉय कहते हैं कि बिल्कुल एक समान विचार आता है, चाहे जो भी देश से हम लोग हैं या जो भी भाषा बोलते हैं, और हम लोग एक ही परमेश्वर के संतान हैं और वो हम लोग परमेश्वर के संतान हैं। और अगर हम लोग परमेश्वर की ओर से जन्म लिए हैं, हम उसके आवाज को सुनेंगे।
Jesus and are born again, then we will have the same experience and we will also identify with one another. और अगर हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, हमारा अनुभव भी बिल्कुल एक ही होगा, ऐसा होगा। The three angels' message is the one message that God is giving to all people. ये तीन स्वर्गदूतों का संदेश ये एक संदेश है जो सारे जाति के लोगों को दे रहे हैं। This is one gospel that is being proclaimed in Korea, in America, in India. और ये एक ही संदेश है जो चाहे कोरिया या अमेरिका या इंडिया में प्रचार किया जा रहा है। और अगर हम लोग जो है यीशु मसीह में जो खड़े हो सकते हैं, जो हमारा सुसमाचार है, तो परमेश्वर के लोग जो है उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाएंगे। और हम लोग जो है स्वर्ग के भाषा से एक हो सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा का एक भाषा में हम लोग जुड़ सकते हैं। और हर देश का भाषा जरूर अलग है, पर हम लोग एक ही भाषा, स्वर का भाषा सुन रहे हैं। और ये जो है सारा देशों में, सारा जगत में ये संदेश जो है सुनाया जाएगा। और ये संसार अंत की तरफ दौड़ते जा रहा है। यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। और ये पृथ्वी पुराना होते जा रहा है और स्वर्ग हमारे लिए तैयार किया जा रहा है। और शैतान इस संसार को अधिकार में लेने के लिए प्रयास कर रहा है। और शैतान इस पृथ्वी पर इसलिए दावा नहीं रख सकता है क्योंकि इस संसार में परमेश्वर के भी लोग हैं। और अगर आप अय्यूब की किताब को पढ़ोगे, शैतान कहता है कि इस पृथ्वी का वो अभी हकदार है। पर परमेश्वर कहते हैं, मेरा दास अय्यूब को आप देखे हैं, आप कैसे इस संसार का हकदार बन सकते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लोग इस संसार में हैं। और अगर परमेश्वर कहते हैं मेरा एक भक्त भी इस पृथ्वी में है, शैतान इस पृथ्वी का हकदार नहीं बन सकता है। और ये संसार 100% शैतान का नहीं हो सकता। At the end of time, there need to be people who have the faith like Job, so that Jesus can come and save His people. अंत के समय में लोगों को अय्यूब के समान विश्वास रखना है ताकि लोग परमेश्वर उन्हें बचा सके। हमारा विश्वास अय्यूब के विश्वास की तरह हो जाना चाहिए। In order for God to establish a people like Job, God has given us the three angels. और परमेश्वर अय्यूब के समान लोगों को तीन स्वर्गदूतों का संदेश दिए हैं। Before there was a judgment, God always gave a message. और हर युग में न्याय करने से पहले परमेश्वर लोगों के लिए संदेश देते थे। और तीन स्वर्गदूतों का संदेश ये पवित्र मंदिर का शिक्षा है। और यीशु पवित्र मंदिर में है। All of the work of Jesus has been drawn out for us through the sanctuary.
और हमारा कार्य जो यीशु का सेवकाई मंदिर में दिखाई देता है, and that Jesus who was resurrected wants to come into our hearts to restore us. यीशु जो जी उठा है, स्वर्ग चला गया है, वो हमें फिर से पूर्ण स्थापित करना चाहता है और हमें स्वर्ग लेना चाहता है, और हमारा हृदय एक मंदिर की तरह बनाया गया है जिसमें परमेश्वर निवास करना चाहते हैं। पर आज हम लोग जो है शैतान को अपने हृदय में जगह दे रहे हैं। और शैतान हमारे मन में पाप डाल दिया और वो हम पर नियंत्रण कर रहे हैं, और हमें फिर से अपना हृदय को परमेश्वर की ओर लाने के लिए यीशु इस पृथ्वी में आया। और पवित्र मंदिर को फिर से स्थापना या स्थापित करने में परमेश्वर लगा है। यीशु अपने कार्य को समाप्त करने के लिए पवित्र मंदिर का पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में कार्य कर रहे हैं। When the work of sin is completely finished, if I still have sin in me, then I will be burned because of that sin still in me. और जब परमेश्वर का कार्य समाप्त हो जाएगा और अगर पाप मुझ में है तो पाप मुझ में होने का कारण मैं भी भस्म हो जाऊंगा। The fire comes down to eradicate the sin. The message has been given so that we can get rid of all of our sin first. तो संदेश हमें दिया जा रहा है परमेश्वर का न्याय आने से पहले। परमेश्वर पापियों को अपने पास बुला रहा है और आपके पाप को ले करके आपको शुद्ध कर दूंगा, मेरे पास आ जाना, ये यीशु का निमंत्रण है। क्या आप महसूस करते हैं कि आप पापी हैं? क्या आप ये महसूस करते हैं कि आप पापी हैं और आपका कोई आशा नहीं है? यीशु धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया। क्या आप सोचते हैं इस संसार में धार्मिक लोग हैं अभी इस संसार में? और रोमी 3 अध्याय में कहता है कि एक भी धार्मिक नहीं है। और जो लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं वो यीशु की ओर नहीं दौड़ते हैं। और परमेश्वर जब इस संसार में देखता है एक को भी वो धार्मिक नजर नहीं आता है, सब कोई पाप के गुलाम है और वे मर रहे हैं। यीशु ही इस संसार में आया पापियों को पाप से बचाने के लिए। और अगर हम लोग सच में महसूस करेंगे कि हम पापी हैं, तब हम लोग यीशु की ओर उसका खोज में जाएंगे। और परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, ये संदेश का अर्थ है कि हम लोग सब कोई पापी है। और ये एक संदेश है जहाँ पर हम लोग पापी हैं और हमारा चरित्र फिर से पूर्ण स्थापना किया जाएगा। और हम लोग फिर से पूर्ण स्थापित किए जाएंगे और धार्मिकता हमें दिया जाएगा और हम बदल जाएंगे। और पुराना नियम में पशु को बलि करकर एक चंदा के रूप में भेंट चढ़ाया जाता था।
और बलिदान जब करते थे तो अपने पापों को स्वीकार करते हुए पशु को बलि किया जाता था। आज हमें कोई पशु को लेकर के बलि करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जो है अपने पापों को लेकर के यीशु के पास जाना है, वो हमारा जो है बलिदान हो चुका है। और वो हमारे पापों को लेकर के सदा के लिए मिटा देगा। 2000 वर्ष पहले यीशु इस पृथ्वी आया ताकि हमारे लिए वो बलिदान बन सकेगा। और वो पापियों के स्थान में खड़ा होकर के मृत्यु सह लिया। और तब अपने लहू को लेकर के पवित्र मंदिर, स्वर्गीय पवित्र मंदिर में जाकर के हमारे पापों को ग्रहण करता है। और जो पाप हम लोग लेके जाते हैं परमेश्वर यीशु के पास, उसी को यीशु जो है क्षमा कर सकते हैं। और हम अपने भले कार्य यीशु को दे नहीं सकते हैं। और हम अपने अच्छा विश्वास यीशु को नहीं दे सकेंगे। और हमारा जो है चंदा या धन, इसको हम परमेश्वर को दे नहीं सकते। यीशु इस संसार में आया हमारे पाप के समस्या को देखने के लिए। और अगर हमारा पाप का समस्या यीशु नहीं उठाता तो हम लोग अनंत काल के लिए नाश किए जाएंगे। यीशु ये देख रहा है कि कौन विश्वास के साथ अपने पापों को लेकर के उसके पास क्षमा मांग रहे हैं। अठारह सौ चौवालीस के बाद यीशु जो है इस प्रकार का पवित्र मंदिर को शुद्ध करने का कार्य में लगा हुआ है। और यीशु जब महापवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके तो पवित्र मंदिर को शुद्ध करने का कार्य में लग चुके हैं। और भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा हमें ये मन परिवर्तन करने का संदेश दिया गया है। जिस प्रकार से यीशु का पहला आगमन से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को प्रचार कर रहा था कि मन परिवर्तन करो, और उसी तरह से यीशु का दूसरा आगमन से पूर्व ये मन परिवर्तन का संदेश प्रचार किया जाएगा। और हमें ये जानना आवश्यक है कि हम पापी हैं मन परिवर्तन करने से पहले। वो क्या है जो हमें आवश्यक करता कि हम जाने कि हम पापी हैं? परमेश्वर का व्यवस्था हमें बताता है कि हम पापी हैं। और व्यवस्था से पहले पाप नहीं था। और इस बात को रोमी 7 अध्याय में दिया गया है। और व्यवस्था आने से पहले हम जीवित थे। When I received the light of God's law, then I died and I revived and all that was alive was sin. और जब परमेश्वर का व्यवस्था को ग्रहण किए और देखे तो क्या दिखाई दिया कि केवल पाप जीवन में बसा हुआ है। Do not commit adultery, then adultery would not be
और अगर व्यवस्था में नहीं बताता कि व्यभिचार मत करो तो व्यभिचार पाप नहीं होता, और अगर परमेश्वर के पास कोई व्यवस्था ना होता तो पाप भी नहीं होता। और आदन वाटिका में एक व्यवस्था था, इसीलिए पाप का पहचान हुआ। क्या आप सोचते हैं कि व्यवस्था हमें दिया गया हमें जो है दोषी ठहराने के लिए? और वह जो व्यवस्था को लिखा वो हमारा मध्यस्था भी है। और वह जो 10 आज्ञा को लिखा वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। और वो जो व्यवस्था दिया वो हमारा ही जो है बलिदान बन के आया। और गलतियों का किताब 3:19 कहता है कि परमेश्वर जो है व्यवस्था जो है एक मध्यस्थ के रूप में दिया गया है, और व्यवस्था में भी सुसमाचार दिया हुआ है, क्योंकि पापी लोग इस पृथ्वी में बिना अपने आप को महसूस किए कि वे पापी हैं वे मर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें 10 आज्ञा दिया। और परमेश्वर प्रकट करके बताता है कि क्या क्या बातें हैं जो पाप है। और हम जो है अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, और हम कुछ नहीं बल्कि पाप ही करते हैं। पर जो सबसे बेसहारा पापी मृत्यु का सामना करना है उसे, और अगर वो पापी जो है बलिदान ले आएगा और अगर वो बलिदान के द्वारा स्वीकार किया गया तो ये पवित्र मंदिर का शिक्षा है। और जब यीशु इस पृथ्वी में आए थे, योहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था यीशु को देख के कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप को उठा लेता है। और वह जो व्यवस्था को स्थापित किया कहता है कि हम पापी है। और यीशु कह रहा है जो मृत्यु आपको आपको लेना था उसको हम ले रहे हैं। और देखिए हमें पहले से क्षमा किया जा रहा है। और व्यवस्था का उल्लंघन करने से हमें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, पर परमेश्वर व्यवस्था को पहले से ही बनाया। और परमेश्वर जो है जगत को उत्पत्ति से पहले ही घात किया हुआ मेमना है, व्यवस्था देने से पहले ही वो बलिदान हुआ हमारे लिए। और वो जो है इस संसार का नींव लगाने से पहले ही बलि किया हुआ मेमना है। और पाप और बलिदान कोरिया भाषा में एक ही शब्द से लिया गया। क्योंकि उस पापी के लिए बलिदान तैयार किया गया है, और जहां पाप है वहां बलिदान भी है। और
क्योंकि जहाँ कहीं पापी है वहाँ उसके लिए बलिदान पहले से तैयार किया हुआ है। और वह जो व्यवस्था दिया अब जो है बलिदान भी किया। और जब आप व्यवस्था को देखते हैं आप जानते कि आप पापी हैं और ये भी देखते हैं कि यीशु आपके पापों के लिए मरा है और यीशु जो है महापवित्र स्थान में प्रवेश किया है हमारे पापों को सदा के लिए मिटा देने के लिए। और हम लोग जो है उस व्यवस्था को देख करके हम जो है मन परिवर्तन कर सकेंगे। पर परमेश्वर का व्यवस्था को देख करके इस संसार में बहुत सारे भ्रम की बातें हैं और इस संसार परमेश्वर का व्यवस्था को नहीं बल्कि संसार का व्यवस्थाओं को सिखाते हैं। और एलन जी वाइट के द्वारा परमेश्वर जो है अपने व्यवस्था को और भी अच्छी तरह से प्रकाशित किया है और परमेश्वर का व्यवस्था क्या है एलन जी वाइट उसे प्रकाशित की है और इस व्यवस्था को किस प्रकार से हम पालन किए यहाँ पर विस्तार रूप से दिया गया है। और वहाँ पर हमें सिखाया गया कि हम लोग हमें जो है नैतिक नियम शारीरिक नियम और आत्मिक नियम का पालन करना है। क्या इसलिए हमें बताया ताकि हम इसको अच्छी तरह से पालन कर सके। पर हम लोग पापी जो है परमेश्वर का व्यवस्था को खुद पालन नहीं कर सकते हैं। पर ऐसे क्यों कि परमेश्वर कम शब्दों में 10 आज्ञा दिए और बाद में एलन जी वाइट के लेख के द्वारा उसे विस्तार रूप से दिया है। और एलन जी वाइट की किताब को पढ़ने से ऐसा पता चल जाता है ऐसा सारे हमारे पाप वहाँ पर प्रकट किया गया है। और शुरू में एलन जी वाइट का किताब पढ़ना पसंद नहीं करते थे क्योंकि अपने सारा गलती उसमें दिखाई देता था क्योंकि जब उसको पढ़ते थे आरंभ में तो उधार का जो आशा था वो खो बैठते थे। पर ये बात नहीं समझते थे कि जो व्यवस्था दिया वो जो है मध्यस्थ करने वाला भी है। और परमेश्वर हमें एलन जी वाइट की किताबें दिया ताकि हम लोग अपने पापों को देख सके और यीशु हमें अपने पापों से छुटकारा दे सके। तो जब यीशु मसीह महापवित्र स्थान में प्रवेश किए हमें जो है एलन जी वाइट की किताब दिए ताकि हम जो है अपने पापों से छुटकारा पा सकें। और जब हम लोग अपनी किताब के दूसरा भाग में हम लोग पढ़ेंगे तो दिखाई देगा कि हम परमेश्वर से कितना दूर भटक चुके हैं। और हम लोग जब दूसरा तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ेंगे हम लोग महसूस करेंगे कि हम लोग कितने बड़ा पापी हैं।
during this time you properly receive the health message, then you will be able to realize what a great sinner I am, and I have really destroyed my body. और हम लोग जब इस संदेश को ग्रहण करेंगे, हम लोग ये महसूस करेंगे कि हम लोग कितने बड़े पापी हैं। God's word that teaches us precisely about our meal tables, our thinking, our actions. और परमेश्वर का वचन जो हमें अपना भोजन के बारे में, हमें अपना कार्य के बारे में, चाल चलन के बारे में दिखाता है, वो दिखाता है कि हमारा खाने पीने का तरीका सब जो है पाप है। तो हमें क्या करना है? क्योंकि हम अपने से ही मन परिवर्तन नहीं कर सकते, तो क्या हम जो है सब चीज को छोड़ दें? या अगर आप सोचते हैं कि इस प्रकार से कोई नहीं खाता पीता है तो मैं भी नहीं करूंगी। और अगर मन शरीर और विवेक को साफ करना है, और अगर सच्चा मन परिवर्तन की ओर ले जाना है, परमेश्वर हमें जो है एक ज्योति स्वर की ओर से दिया है। इसका मतलब हमें जो है मन परिवर्तन करने का आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यीशु जल्दी आ रहे हैं और उसका आगमन से पहले पाप का समस्या का समाप्ति होना है। और यीशु का आगमन से पहले हमारे सारे पाप जो है मिटाए जाना चाहिए, क्योंकि पापी लोग स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। और पापियों को इस पृथ्वी में ही उन्हें जो है चंगाई प्राप्त करना है। और जब दोबारा आएंगे, धार्मियों को बचाने आ रहे हैं। और पहले आगमन पापियों के लिए था, पर दूसरा आगमन धार्मियों के लिए है। क्यों? क्योंकि वही हमें धार्मिक बनाता है। क्योंकि विश्वास के द्वारा हम लोग धार्मिक बनाए जा सकते हैं। और परमेश्वर इस संसार में अपने धार्मिक लोगों को जमा करने के लिए आ रहा है। और प्रार्थना करके अगले भाग हम लोग फिर से पढ़ेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हमारे पाप का समस्या को समाधान करने के लिए यीशु पाप बन गए। और आप कहते हैं कि अगर हम अपने पापों को आपके पास ले आए तो आप हमें साफ करोगे। हम अपने बल बुद्धि से धार्मिक बनने का प्रयास ना करें। और पौलुस की तरह ये हम भी महसूस करते हैं कि सबसे बड़ा पापी हम है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जहाँ पाप बढ़ता है, अनुग्रह बहुतायत से बढ़ता है। और हम लोग यीशु मसीह का अनुग्रह को भी चाहते हैं हमारा जीवन में। और एक मन परिवर्तन करने का हृदय दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।